मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी आशीष वर्मा व मनीष बंछोर के निवास स्थान पर ईडी की दबिश को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने कहा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है और सभी समर्थक उनके जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे, परंतु सुबह सुबह ईडी की टीम मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा एवं मनीष बंछोर के घर कार्यवाही करने पहुंच गई। कांग्रेस जन जांच के लिए सदैव तैयार है, जांच के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ है। मैं निर्मल कोसरे, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, हम लोग सब जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। पता चला सुबह सुबह कि आज जन्मदिन के अवसर में ईडी वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के जो करीबी साथी हैं उनके घर में उन्होंने दस्तक दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को थोड़ी भी मानवता नहीं है। जांच के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इस तरह से जांच के नाम से डराना और धमकाना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी इसे डरी हुई है। ईडी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाना चाहती है, जिनकी वो मंशा कभी पूरी नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ पूरी जनता छत्तीसगढ़ की उनके साथ हैं और इस तरह से कार्यवाही से हम कांग्रेसियों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी वजह क्या है और क्यों विरोध कर रहे हैं आप नकारा बजा के? विधान तो डालना नहीं चाहिए। देखिए, लगातार परेशान कर रहे हैं। पहले भी ईडी की कार्यवाही हुई, गिरीश देवांगन जी के यहाँ कार्यवाही हुई और कांग्रेस के साथियों के यहाँ कार्यवाही हुई। यदि ईडी कार्यवाही करती है तो सार्वजनिक क्यों नहीं करती कि इनके घर में ये प्राप्त हुआ या इनके घर में ये प्राप्त हुआ? बिना बेवजह आज मुख्यमंत्री जी की जन्मदिन है और सारे लोग उनकी तैयारी में लगे हुए थे। आशीष वर्मा जी, मनीष बंछोर जी, विनोद वर्मा जी, ये सारे तैयारी में लगे हुए थे, तो इनका मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के कार्यक्रमों में, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों में व्यवधान डालना है। आपको विदित होगा कि ठीक इसी प्रकार की ईडी की कार्यवाही जो गिरीश देवांगन, रामगोपाल अग्रवाल के यहाँ हुई थी, छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, महाधिवेशन, उसके ठीक पहले हुआ था और आज मुख्यमंत्री के जन्मदिन के ही दिन कार्यवाही, इसके हम लोग विरोध में हैं। सार्वजनिक करे ईडी, क्या आखिर उसको क्या प्राप्त होता है? और भारतीय जनता पार्टी की मंशा, नरेंद्र मोदी जी की मंशा छत्तीसगढ़ में कभी पूरी नहीं होगी। इतने साहस के साथ भूपेश बघेल जी ने तो 71 सीट बनाया है, अब की बार पूरी छत्तीसगढ़ की जनता उनके कार्यवाही से और हमको बल मिलेगा और 75 पार निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होगी। ऐसे में पार्टी का रुख क्या रहेगा? ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है तो ईडी की कार्यवाही से हम लोग, माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लगातार कार्रवाई हुई, जब भूपेश बघेल जी विपक्ष में थे तब भी कार्रवाई हुई। हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, पहले भी जेल जाने से नहीं डरे हैं। हम उनकी कार्रवाई से हताश और निराश होने वाले नहीं, पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते रहेंगे।